हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक्स इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं ट्राइडेंट शेयर से जुड़ी खबर के बारे में और जानेंगे कि आने वाले 1 से 2 दिन में टारगेट क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक वीडियो बना के बताया था, उसमें बताया था कि ट्राइडेंट शेयर आपको नेक्स्ट इस हफ्ते क्या रिटर्न दे सकता है और अगले 1 से 2 क्वार्टर में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने एक ही दिन के अंदर आपको 6% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले 1 से 2 दिन में और इसमें क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे बड़ी इसका जो रीजन क्या था, ये प्राइस जो 6% अप हुआ, इसका रीजन सबसे बड़ा ये कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर्स आ रहे हैं 12 नवंबर को। तो सबको पता है कि ट्राइडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है लास्ट फ्रॉम लास्ट 3 और 4 क्वार्टर से। इनके सेल्स के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है 70%+, और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही इस क्वार्टर में भी इनका प्रॉफिट और जो भी नेट प्रॉफिट है सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से ये स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे न्यूज भी आ रही है कि कॉटन यहाँ की जो प्राइस और जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि इंडिया में अब वेडिंग सीजन और फेस्टिवल सीजन अभी चालू हो गए और विंटर सीजन भी आने वाले हैं। तो उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां उस पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। उनके सेल्स के नंबर हमेशा ही दिसंबर जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें इंक्रीज ही होते हैं, और जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा उछाल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइडेंट के मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, तो इसने 50 डेज का जो मूविंग एवरेज था जो 37.10 का, इसने ऑलरेडी कल के दिन ब्रेक कर दिया। तो स्टॉक लगभग 37.5 के करीब क्लोजिंग दी थी। तो इसका 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 37.8 है। तो कल के दिन ये स्टॉक आराम से आपको ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक 38 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये स्टॉक में क्या मूवमेंट होगा वो हम जानेंगे अभी चार्ट में। तो यहाँ पे चार्ट में नजर मारते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जिसने क्लोजिंग दी है 37.5 के करीब, तो इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा, अगर 38 को इसने अगर 0.15 को अगर ब्रेक किया तो इसके बाद से स्टॉक आराम से आपको 39 से 40 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो इसका RSI है RSI 60 के करीब है और अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा बुलिश मूवमेंट में दिखाई दे रहा है ये RSI इसका। तो और इसका जो सबसे मेन सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 36 के करीब, आप इसका बेहतरीन एक सपोर्ट रख सकते हैं। 37 पे आप अच्छी खासी क्वांटिटी पे उठा सकते हैं। हाँ, अगर स्टॉक है ऊपर जाता है तो 38 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 38.15 पर, तो आराम से आपको 40 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। पर हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको अच्छे खासे कम से कम 45+ के टारगेट दिखाई देंगे इस स्टॉक के अंदर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।